नमस्कार। आज हम यूरिनो जेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो यूरिनो जेनिटल सिस्टम में सबसे पहले हम यूरिनरी जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं। उसमें हम किडनी इंक्लूड करते हैं। तो किडनीज आर द ऑर्गन ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन। किडनी वो अंग है जिससे हम नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सिक्रीट करते हैं, और साथ ही साथ वाटर रेगुलेशन भी वर्टिब्रेट में इससे होता है। लोकेशन के बारे में बात की जाए तो किडनीज जो वर्टिब्रेट में है वो डोर्सल वॉल ऑफ बॉडी बॉडी कैविटी से अटैच रहती हैं और एक सिलोमिक एपिथेलियम से कवर रहती हैं। हर एक किडनी का कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स से बनी हुई होती है, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो अल्टीमेटली मिलकर के इन्हें रेडक या यूरेटर में ओपन होती है। बेसिकली जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर आपको पेयर्ड ट्यूब्यूल्स मिलेंगी जो कि एक तरफ सीलोम में ओपन हो रही हैं और दूसरी तरफ एक लॉन्जिट्यूडनल डक्ट में ओपन होती हैं। तो ये जो सीलोमिक ओपनिंग है ये एक सीलेटेड फनल के रूप में होती है जिसे हम पेरिटोनियल फनल कहते हैं। ये पेरिटोनियल फनल आगे जाकर एक सकरी ग्रीवा में खुलती है जो कि चौड़ी होकर के एक थिन वॉल चैम्बर या वोमेन कैप्सूल फॉर्म करती है। तो इस वोमेन कैप्सूल के एक तरफ आपको एफरेंट और इफरेंट आर्टियोल देखने को मिलेंगी जिनसे ग्लोमेरुलस फॉर्म होता है। ये वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस इन दोनों को कलेक्टिवली हम मेलपीजियन बॉडी कहते हैं। तो अगर हम इसका वर्टिब्रेट में देखें किस तरह की है तो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट जो एंसेस्टर है उनमें एक जोड़ी आर्किनेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं, होलोनेफ्रस की होती हैं, जिनमें आपको आर्किनेफ्रिक डक्ट निकलती हुई मिलेगी जो कि लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ बॉडी कैविटी में और सीलोम की पूरी लेंथ तक एक्सटेंड करती है। हर एक इस आर्किनेफ्रिक डक्ट में जो सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स हैं उनकी ओपनिंग खुलती है, तो वहां से ये कलेक्शन हो रहा है। जो ये आर्किनेफ्रिक रीनल जो ट्यूब्यूल्स हैं ये पेयर्ड होती हैं, इसमें सेगमेंटली अरेंज होती है, सेगमेंटल स्ट्रक्चर है, और इसमें वही बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होगा कि एक तरफ ये सीलोम में ओपन कर रही है इंडिपेंडेंट सीलेटेड फनल्स के माध्यम से जिसको हम नेफ्रोस्टोम भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ये आर्किनेफ्रिक डक्ट में ओपन हो रही है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक अरेंजमेंट है जो हम ये कह सकते हैं कि एंसेस्ट्रल अरेंजमेंट है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये नेफ्रोस्टोम्स हैं जिनसे अल्टीमेटली दूसरी तरफ ये डक्ट में ओपन हो रही है आर्किनेफ्रिक डक्ट, और अल्टीमेटली ये सब कुछ कलेक्ट होकर के क्लोइका के थ्रू बाहर ओपन हो रहा है, और जो सीलोमिक साइट है वहां पे ग्लोमेरुलस फॉर्म हो रहा है, और ये स्ट्रक्चर एंसेस्ट्रल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक में आप देख रहे होंगे कि ये हर एक ट्यूब्यूल के कनेक्शन में यहाँ पर एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस मौजूद है। तो यहाँ पर एक थिन लेयर ऑफ पेरिटोनियल एपिथीलियम वो मौजूद होती है प्रोजेक्टिंग सरफेस पर जो कि एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस की है उसके ऊपर। ये माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की जो किडनी है जो प्रेजेंट हम देखते हैं वो सभी इसी प्रकार की आर्किनेफ्रोस से डिराइव हुई है। अब हम विभिन्न जो वर्ग हैं, ग्रुप हैं, उनके अंदर किस तरह की होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएमनियोट्स के अंदर किडनी किस प्रकार की होती है। तो एनएमनियोट्स की अगर हम बात करें
तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ आर्किनेक्रोटिक किडनी है वो केवल कुछ वर्टिब्रेट्स में परसिस्ट करता है, लेकिन ज्यादातर की एम्ब्रियोनिक स्टेज में मौजूद होता है और एक ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होता है, और इस ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर को जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम प्रोनेफ्रोस कहते हैं। तो जब भी ये कभी अगर किसी एनिमल में मौजूद है तो वहां इसे हम हेड किडनी भी कहते हैं। तो इसके बाद का जो रिमाइंडर है पोस्टीरियर टू पोस्ट नेफ्रोस उसको हम कहते हैं ऑफिस्थो नेफ्रोस किडनी। तो ये जो किडनी है ये हेड किडनी या प्रोनेफ्रोस के बाद है। तो आर्किनेफ्रोस कह रहे हैं हम इस किडनी को जिसमें ये स्ट्रक्चर है और ये आर्किनेफ्रिक डक्ट में ओपन हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोनेफ्रोस में, तो प्रोनेफ्रोस जो एन एमनियोट्स में है उनके अंदर कई सारे प्रोनेफ्रिक ट्यूबुल्स होते हैं, यही आर्किनेफ्रिक ट्यूबुल्स ही हैं जो कि ओपन होते हैं आर्किनेफ्रिक डक्ट में। इनकी पोजीशन डोर्सोलेटरल होती है मेसोडर्म के रेफरेंस में, या हम ये कहें कि ये मेसेंट्री जो कि गट को सपोर्ट करती हैं उनके हर एक तरफ दोनों तरफ मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि इंटरनल ग्लोमेरुलस बनता है जो कि बाउंड कैप्सूल के जरिए सराउंड होता है, और ये ट्यूब्यूल सीलोम के साथ अपने नेफ्रोस्टोम के जरिए कम्युनिकेट करती हैं। ऑफिस्थोनेफ्रोस जो एन एमनियोट्स में पाई जाती हैं वो मेन फंक्शनल किडनी बनाती हैं, जैसा कि आपको बताया था कि प्रोनेफ्रोस ज्यादातर एडल्ट में नहीं होती। तो ये लैम्प्रे अधिकांश फिशेस और एम्फीबियन के अंदर आपको ऑफिस्थोनेफ्रोस देखने को मिलेंगी। तो इनकी भी जो ट्यूबुल है वो सेगमेंटली अराइज होती हैं फ्रॉम द इंटरमीडिएट सेल मास दैट इज मेसोमियर और नेफ्रोटोम विच लाइज बिटवीन सोमाइट्स और एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि सोमाइट और लेटरल प्लेट मेसोडर्म के बीच में मौजूद होता है एम्ब्रियो के, वहां से ये अराइज होती है। लेकिन ये जो सेगमेंटल अरेंजमेंट है जल्दी ही ये डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शरी ट्यूबुल्स का विकास हो जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर इन ट्यूबुल्स में नेफ्रोस्टोम नहीं होता है, याद रखिएगा नहीं होता है, ठीक है ना। इस कारण से ये अपना सीलोम के साथ जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन ग्लोमेरुलस बहुत अच्छे से विकसित होता है। आर्किनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट करती है एडल्ट में, जिसे हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो ऑफिस्थोनेफ्रिक डक्ट है जो पर्स यूरेटर के रूप में एक्ट करती है, इसे हम वॉल्फियन डक्ट कहते हैं। तो ये एक वर्टिब्रेट में जो इवोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में हम देख रहे हैं। जो एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट है उसके अंदर ये प्रोनेफ्रोस या हेड किडनी मौजूद रहती है, अदरवाइज आप एडल्ट में देखेंगे एनएमनियोट्स में और एमनियोट के भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप कई की में देखेंगे तो वहां पर इसकी एट्रोफी होने लगती है। लेकिन फंक्शनल किडनी क्या होगी, मीसो और मेटा, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ऑफिस्थोनेफ्रोस है एनएमनियोट्स में, ठीक है। तो एनएमनियोट्स में ये ऑफिस्थोनेफ्रोस है मेजोनेफ्रिक या वॉल्फिन बॉडी बना रही है, और ये मुलेरियन डक्ट है जैसा आपको कहा बताया था कि जो परसिस्ट करती है, या इसको हम ओविडक्ट कहेंगे जो फीमेल में मौजूद होती है, ठीक है। आगे हम डिटेल देखें एनएमनियोट्स में अगर हम बात करें तो अगेन एनएमनियोट्स में प्रो एंड मीजो एंड मेटा होंगी। तो ये रेप्टाइल्स में मौजूद है, बर्ड्स और मेमल्स में जो किडनी है वो एमनियोटिक टाइप की होंगी, या तीन टाइप की किडनी आपको देखने को मिल सकती है प्रोनेफ्रोस मेसोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सक्सेसिव आप देखेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो मेटानेफ्रोस है वो परसिस्ट करती है, बाकी दोनों खत्म हो जाती है विलुप्त हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही, और फंक्शनल किडनी जो है वो मेटानेफ्रोस ही होती है। तो एक्चुअली मेटानेफ्रोस और मीजोनेफ्रोस जो है
वो ऑफिस्टोनेफ्रोज के ही दो अलग अलग लेवल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिस्टोनेफ्रोज और मेटा और मीजोनेफ्रोज अलग अलग चीजें हैं। मेटा और मीजोनेफ्रोज जो है वो ऑफिस्टोनेफ्रोज के ही प्रकार है। इसी कारण आपने जब वो डायग्राम देखा था तो वहां मीजो लिखा हुआ था। तो ऑल एमनियोट्स में अगर हम देखें तो केवल बहुत शुरुआती अवस्थाओं में डेवलपमेंट की इम्ब्रियो में प्रोनेफ्रोस देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोनेफ्रोस है ये एंटीरियर 3rd to 15th और 16th सेगमेंट तक डेवलप होता है। सेगमेंटल अरेंजमेंट आपको दिखेगा, पेयर ट्यूब्यूल से जैसा कि आपको बोला, ठीक है। अगेन ये सिलोम में ओपन होती है और दूसरी तरफ लॉन्जिट्यूडनल प्रोनेफ्रिक डक्ट के अंदर ओपन होंगी। ये कभी भी फंक्शनल नहीं रहती और बहुत ही जल्दी ये डिसअपियर हो जाती है। सेकंड जो है वो है मीजोनेफ्रोस, जिसको हम वॉल्फियन बॉडी भी कहते हैं। ये कुछ प्रोनेफ्रोस के बाद की अवस्था आती है। ये कई सेगमेंट में मौजूद होगा। यहाँ ये जो मीजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स हैं, ठीक है, जो कि मीजोनेफ्रोस से संबंधित है, ये इंटरमीडिएट सेल मास से डेवलप होती हैं। ये स्ट्रिक्टली सेगमेंटल होती हैं शुरुआत में, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि बाद में सेगमेंटल अरेंजमेंट इसका लॉस हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी ट्यूबुल्स, एडिशनल ट्यूबुल्स डेवलप हो जाती हैं। तो जो ये मीजोनेफ्रोस हैं, मीजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स हैं, ये वॉल्फिन डक्ट में या मीजोनेफ्रिक डक्ट में एक तरफ ओपन होती हैं। और ये एक्चुअली जैसा आपको मैंने बताया था पहले भी कि ओरिजिनली ये आर्किनेफ्रिक या प्रोटोनेफ्रिक डक्ट ही है जो मीजोनेफ्रिक या वॉल्फिन डक्ट में बदलती है। रेप्टाइल, बर्ड और मेमल में जो मीजोनेफ्रोस है वो एग्जिस्ट करता है केवल टेम्पररी, और जल्दी ही ये मेटानेफ्रोस के जरिए रिप्लेस हो जाता है। तो जो मीजोनेफ्रोस के रिमनेंट्स होते हैं, जो डिजेनरेशन के बाद बचे रह जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो यूरिनरी पैसेज के रूप में कार्य करती है जब तक कि मीजोनेफ्रोस फंक्शनल होते हैं। लेकिन जैसे ही मेटानेफ्रोस आ जाते हैं ये फीमेल में पूरी तरह डिजेनरेट हो जाती है, बट मेल के अंदर परसिस्ट करती रहती है। तो मेटानेफ्रोस जो स्थायी अवस्था है, फंक्शनल है, वो केवल एमनियोट्स में डेवलप हो रही है। ये मीजोनेफ्रोस को रिप्लेस कर रही है और मीजोनेफ्रोस के पोस्टीरियर ये प्रकट होती है। ये मीजोनेफ्रोस के ही कुछ पार्ट से बनी हुई होती है, लेकिन ये गोनेट से कनेक्टेड नहीं होती है और ओंटोजेनी में यानी व्यक्तिगत विकास में देर से ये डेवलप होना प्रारंभ होती है। इसमें आप मेटोनेफ्रोस में देखेंगे तो ट्यूब्यूल्स का आपको सेगमेंटल अरेंजमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो किडनी है वो मोर कॉम्पैक्ट आपको नजर आएगी। मेटानेफ्रिक डक्ट जो है वो मेटानेफ्रिक जो ट्यूब्यूल है वो प्रोटोनेफ्रिक डक्ट में ओपन नहीं होते या वॉल्फिन डक्ट में ओपन नहीं होते, बट ये न्यूली फॉर्म्ड यूरेटर के अंदर ओपन होते हैं, जो कि अराइज होता है एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द बेस ऑफ प्रोटोनेफ्रिक डक्ट। तो ये जो ट्यूबुल्स हैं ये नेचर में सेकेंडरी होती हैं और इस कारण इनके ऊपर आपको पेरिटोनियल फनल देखने को नहीं मिलेगा। मेटानेफ्रिक ट्यूबुल्स जो होती हैं वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती हैं स्ट्रक्चर में, और इनमें जो मैक्सिमम आप कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वो मेमल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो क्योंकि ये ऑफिस्टोनेफ्रोस की ही प्रकार है, इसलिए इसका जो आप देखेंगे फंक्शनिंग ऑफिस्टोनेफ्रोस की तरह ही देखने को मिलेगी। जो वैश प्रोडक्ट है वो किडनी से यूरेटर के माध्यम से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो अल्टीमेटली क्लोइका या यूरिनरी ब्लेडर में खुलते हैं। तो ये आज हमारा यूरिनोजेनिटल सिस्टम के तहत यूरिनरी सिस्टम या किडनी के बारे में बात की हमने। नेक्स्ट टर्न पर जब हम बात करेंगे तो जेनिटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि वो वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, किस प्रकार वो होता है। तो आज का ये हमारा लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।